वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एथेनॉल ब्लेंडिंग, फ्लेक्सी फ्यूल, शुगर एक्सपोर्ट बैन, बायोफ्यूल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूएसए में क्या है कि यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि 15% के करीब एथेनॉल वगैरह मिक्स करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइसेस डाउन हो गई हो, मगर उनका यह था कि मिक्स करेंगे। और यहाँ पे होता भी था मिक्स, लिखा होता है कि इतने परसेंट मिक्स करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया था कि इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा मिक्स करेंगे, मगर प्राइसेस का तो कुछ नहीं हुआ, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं। तो देखते हैं क्या रही हैं। चलो शुरू करें। जय हिंद। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों जरूरी है, इंजन में क्यों बदलाव किए जाते हैं, और इसके मद्देनजर भारत सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोदामों में रखा हुआ है, अर्थात भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं। तो पूरे चीजों को हम समझते हैं। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो उसे मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा सा पेट्रोल का पैसे बच जाते हैं। इसमें 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है, 15% जो होता है इसमें इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% इसमें एथेनॉल मिला देना है, और एथेनॉल मिलाने की क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। हमारे पास दुनिया में थर्ड नंबर पर हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे भारत में कई अलग अलग टाइप की व्हीकल्स बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इस 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है, यहाँ पे टोटल ओवरऑल मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियाँ हर साल बन रही हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है, और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं। हम लोग 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से ही मंगाते हैं। अब जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रिग से आ रहा है, ये गल्फ कंट्री के पास है, इन्हें हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, बैरल यानी बैरल में इसे खरीदा जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छान कर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारत सरकार प्रति साल कितना विदेशी लोगों को यानी गल्फ कंट्रियों को कच्चे तेल के बदले पैसा देती है, $65 बिलियन देती है। $65 बिलियन कितना हो गया, 50,41,17,57,50,000 रुपए प्रति साल भारत सरकार का पैसा जाता है। हम लोग टैक्स पेयर का पैसा विदेशियों के पास चला जाता है, जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं। अब सोचिए ना, जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई पानी खरीदता 60 रुपया लीटर, तो कितना अमीर हो जाते हैं हम लोग। तो इतना पैसा जाता है, सोचिए अगर इस पैसे का हम 20% टारगेट रखे हैं कि इसमें पेट्रोल के जगह इथेनॉल मिला देंगे, तो इसका 20% कमी आएगी ना। सोच सकते हैं, निकालते रहिएगा इसका 20% कितना ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल को कर रहे हैं, और एक बार एथेनॉल सक्सेस हो गया ना तो 20% की जगह 30% करेंगे, 30% की जगह 50% कर देंगे, और धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। तो 80% कर देंगे तो इन लोग को पैसा देने की जरूरत क्यों है, एथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं। ये नहीं बना सकता एथेनॉल, इन लोग को उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल, इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इसका IUPAC नाम एथेनॉल हो जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है, शराब में भी इथेनॉल ही मिलाया गया रहता है। और जो हम लोग देखते होंगे सैनिटाइजर होता है, उसमें भी देखिएगा 70% एथेनॉल लिखा रहता है, सैनिटाइजर में भी एथेनॉल ही होता है। इसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब बढ़ाएंगे लोग तो उसके लिए हम लोगों को अपने इंजन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी इंजन है वो कंप्लीट डीजल और पेट्रोल पे चलने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन जब हम लोग उसमें एथेनॉल मिलाएंगे तो इंजन में हल्का चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल इंजन बनाते हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सिबल। तो भारत सरकार काफी सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को कि उनको एक गाइडलाइन दे दिया जाएगा, इसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन यानी फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे। याद कीजिए 2018 का जब समय था, 2017 में 17 के लास्ट में सरकार ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अब BS3 की गाड़ियां नहीं चलेंगी, सब चलेंगी BS4। रातों रात बेच के हटाना पड़ा कंपनियों को। उसी तरह सरकार भी इन लोग को अभी वार्निंग दे रही है, फिर कभी सख्त आदेश देगी, उसके बाद एक बार फैसला सुना देगी, तो सारी कंपनियों को अपने BS6 के जगह फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा। इससे काफी ज्यादा फायदा होता है फ्लेक्सी फ्यूल से। सबसे पहला कि प्राइस घट जाएगा, पेट्रोलियम का प्राइस इसलिए घटेगा क्योंकि बाहर से मंगाना नहीं है, हम लोग का प्राइस घट जाएगा। दूसरा कि फ्लेक्सी फ्यूल अगर रहेगा, एथेनॉल रहेगा, तो एथेनॉल
एथेनॉल में पोल्यूशन कम होता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण की समस्याओं को हम लोग लेके झूल रहे हैं उनके लिए एक काफी अच्छा ये किफायती रास्ता हो जाएगा हम लोग के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसके लिए हम लोग को एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा, प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर, अब इतना एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा बाहर। अगर अकेले बिहार में 4 से 5 एथेनॉल प्लांट लगा दिए गए इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रोजगार डायरेक्ट कम दिखता है, इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दिखता है। तो कहीं पर भी अगर देखिएगा किसी एरिया में अगर वहाँ 20 भी फैक्ट्री आ गई ना 20 फैक्ट्री तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि 500 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि उसका एक पूरी तरह सप्लाई चेन बन जाएगा। कैसे कि एथेनॉल बनता कैसे है, अनाज को सड़ाकर, यानी जो हम अनाज फेंकते हैं ना उसी को सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाता है। तो एक तो वेस्ट बचेगा हम लोग के यहाँ, दूसरा इसे गन्ना से बनाया जा सकता है, चावल जो टूट जाता है बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाता है, किसान का चावल टूट गया तो उसको खुद ही बन जाता है तो उसी चावल को सड़ा के ये एथेनॉल बना लेता है। मक्का जो है इसका कोई भाव नहीं मिलता है, 6 रुपए किलो किसान का मक्का सरकार को, किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है 6 रुपए किलो। अब उसको ना छुपाया कैसे जाता है, किसानों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, तो सरकार कहती है हम 6 रुपया नहीं ना खरीद रहे हैं, हम 600 रुपया प्रति 100 kg यानी प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। और जब हाल है भैया तो 1 रुपया 6 रुपया ना किलो पड़ा, तो किसान को 100 रुपया का भाव कौन सी बताता है, 1 किलो का बताओ ना, आम आदमी को भी समझ में आता कि तब ना लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दुर्दशा क्यों है। आप सोचिए आप एक ठो मक्का खरीदिएगा ना एक ठो ठेला पे से तो 5 रुपया 10 रुपया का मिलेगा, और किसान से 1 किलो खरीद लिया जाता है और बेचारा उसको कितना दिया 6 रुपए किलो मजबूर है। लेकिन जब इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथेनॉल बनाने में तो किसान भी अपना बढ़िया दाम में बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। जौ कोई बोलता नहीं है जल्दी हमारे यहाँ, पराली जो जला दिया जाता है, धान की भूसी जो होती है या फिर जो पुआल होता है जला दिया है, तो उसे सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इतना एथेनॉल बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीदेंगे। जो पैसा आज हमारा फॉरेन रिजर्व गल्फ कंट्रियों को जाता है पेट्रोलियम के भुगतान करने के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के आ जाएगा, किसान आगे बढ़ेंगे हमारे यहाँ, उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे वो भी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये देश के लिए काफी अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत ज्यादा मतलब प्राइम फोकस करके रखा हुआ है भारत सरकार। लेकिन एक बार जरा अपने दिमाग से सोचिए, ये चीज तो पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगी तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा चीनी का उत्पाद, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है, इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया, कहा कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोग स्टॉक करके रखेंगे ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज़्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज़्यादातर को भेज देंगे चीनी के लिए नहीं बचेगा, भारत में महामारी हो पूरा भयानक, कम महंगाई है भारत में चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पर निर्यात पर रोक लगाया गया। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास चीनी का प्रोडक्शन, हालांकि इसका उत्पादन जो है वो 27 मिलियन टन है, यानी 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है। 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपभोग है, चीनी का डेली रेगुलर बेसिस पे उपभोग होता है हम लोग के यहाँ, चाय में होता है, बिस्किट में होता है, तरह तरह की कैंडी मिठाइयाँ छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए आता है, लेमचू सुमचूस यहाँ पर मिठाई देखिएगा, जलेबी रसगुल्ला जितना सब चीज में चीनी पड़ता है हमारे यहाँ चीनी। और जो पैकेट वाली सामान बिकते हैं कभी मंच टुका दुकाई कीट कैट उट सब छोटका लड़का ज्यादा जानता होगा सब हम लोगों को नहीं पता है वो सबको, तो यहाँ पे जो है ना ये हमें चीनी पड़ता है तो चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, 27 मिलियन टन प्रतिवर्ष डिमांड है। तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन खर्च है, यानी बफर स्टॉक में हम लोग के पास अभी भी 8 मिलियन टन जमा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को है, FCI को है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं इसी में रखा जाता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा सा गोदाम होता है, इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। इसलिए भारत सरकार क्या की है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। अभी आप देखे होंगे चीनी पे बैन लगा दिया गया, गेहूं पे बैन लगा दिया गया, चावल पर बैन लगा दिया क्योंकि टूटे हुए चावल से भी मेथनॉल बन जाता है। अभी तुर्की जो है गेहूं को वापस कर दिया, बहाना करके कि इसमें वायरस था, तो जरा अफगानिस्तान के लोगों के लिए वायरस नहीं है, IMF कह रहा है कि प्लीज गेहूं दे दीजिए, ये लोग को बहुत बड़का दिमाग हुआ है। ये एक्चुअली देखिए क्या है कि तुर्की क्या देख रहा है कि वो रूस के करीब है,
तुर्की जो है वो अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है यूएसए को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है, और रूस के इस एरिया में चेचन्या वाले एरिया में आराम से ट्रक से गेहूं आ सकता है तुर्की में, तो ये देख रहा है कि इसी बहाने हम तुर्की देख रहा है रूस से व्यापार बढ़ा लेंगे और अपने आप को हीरो बनने के लिए भारत का गेहूं वापस कर दिया है। यही गलती किया था मलेशिया, यही गलती किया था इंडोनेशिया पाम ऑयल को लेकर, इनको घमंड हो गया था पाम ऑयल को, आज इनका पाम ऑयल कोई खरीद ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये लोग कह रहे हैं कि पाम ऑयल खरीद लो। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना चाहिए इनको, ज्यादा ईगो इनको महंगा पड़ जाएगा वहां पे, मत लो गेहूं कौन मर, हम लोग के यहाँ गोदाम का कमी है। आप ये समझ गए होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है और क्यों हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, हमारे बचे हुए खाना या जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, अनाज टूट फूट जाते हैं जैसे चावल वगैरह का दाना, तो उसे इजीली इसे दोबारा फर्मेंटेशन यानी किड़वन करके बनाया जा सकता है, जो काफी अच्छा भी है यहाँ पर। इससे देश को भी फायदा होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। और आप लोग के लिए जो इतना भी एप्लीकेशन के क्लासेज हैं वो सब इनरोल कर दिए गए, दोबारा एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को, और ये अभी नए बैचेज काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पर, आप लोग को जिन जिनका भी नियर में एग्जाम है वो लोग जाके इस पर इनरोल हो जाएंगे आप लोग को खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग कहीं जल्दी जल्दी सेटल होइए, नौकरी लीजिए और जल्दी से माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। तो फ्रेंड्स मैं वही कह सोच रही हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कि देखो वो कहते हैं ना वो क्या मजबूरी जो होती है वो इन्वेंशन की जननी होती है, वही हुआ है कि अब देखो इतनी प्रॉब्लम्स जो अब सर पे पड़ी हैं तो उनके सॉल्यूशंस के लिए जब हमने चीजें ढूंढी हैं तो ऐसे अमेजिंग सॉल्यूशंस हैं जो लॉन्ग टाइम में अब लाइफ लॉन्ग यूज होंगी कंट्री के लिए, बेनिफिट के लिए होगा। तो जो इन्होंने कहा कि भैया एथेनॉल ब्लेंडिंग से तो वो गाड़ियों को के इंजन भी चेंज कर देंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा कि वो ही ट्रेंड हो जाएगा कि भैया अब यही यूज होना है। और धीरे धीरे कह रहे हैं अभी जैसे कह रहे हैं कि थोड़े परसेंट है, फिर उसके बाद और बढ़ जाएगा, फिर इवेंचुअली 50%। राइट राइट, होता ये है कि जैसे यहाँ पर भी बहुत पुश था कि आप एथेनॉल यूज करिए, फार्मर्स को काफी अच्छा लगा कि अरे बहुत अच्छी बात है आप गन्ना बनाइए और सेल करिए एथेनॉल, मगर अल्टीमेटली चला नहीं, नहीं चला। अच्छा। तो 15% से ज्यादा अगर आप जाते हैं एथेनॉल तो माइलेज आपकी कम हो जाती है, मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है गाड़ी की, जितना आप एथेनॉल डालते हैं उतने पेट्रोल में आपकी गाड़ी कम चलती है। एक समय आएगा कि आपको पूरा इंजन रिवर्क करना पड़ेगा, और इंजन गवर्नमेंट तो बनाती नहीं है, वो तो कार मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, और कार मैन्युफैक्चरर अपना इंजन नहीं बदलने वाले जस्ट बिकॉज किसी कंट्री में जो है एथेनॉल आ रही है, तो उसी फ्लेक्स फ्यूल बना दिया, तो उन्होंने बोल दिया फ्लेक्स फ्यूल है 15% तक तो आप ठीक है, उससे आगे जाते हैं तो आप डालिए मगर एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं आएगी, मतलब जितने भी आप एक लीटर में अभी जितनी चलती है गाड़ी उससे काफी कम चलेगी। तो फिर वो पॉइंट क्या बनी, फिर आपको ज्यादा ज्यादा पेट्रोल डालना पड़ रहा है तो वहीं के वहीं रह गए, मतलब अल्टीमेटली ज्यादा लगने लग गया तो पैसे की बचत नहीं हुई, तो उसके लिए इंजन विंजन चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप कार मैन्युफैक्चरर से कितनी बात करेंगे क्या करेंगे, ये बात है। मगर 15% तो बिंदास यहाँ पे होता ही होता है, 10 अगर आप नॉर्मली जाएं और आप नॉर्मल यहाँ पे पेट्रोल लें तो उसमें लिखा होता है कि 10% तक तो हम डालते हैं, तो वो तो डलता ही है, 15% वाला थोड़ा अलग है, तो काफी अच्छा है, मगर ये डेफिनेटली करना चाहिए। आज के जमाने में अल्टीमेट सोल्यूशन इलेक्ट्रिक कार्स ही होता है, कि जितने आप देख रहे हैं जो 63 बिलियन पर ईयर दे रहे हैं डॉलर्स आप, उसके बदले आप 20% जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएं कि इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और टेस्ला भी यही कह रहा है वो इंडिया में नहीं आएगा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि किसको नहीं आना मत आए, अपनी टाटा की जो ईवी आ रही है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए और 2-4 और लोगों को प्रोड्यूस करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपनी कंट्री अपने व्हीकल से आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर है, होता है। काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।